जम्मू कश्मीर के उरी में 12 आतंकी मार गिराए गए हैं। आर्मी सूत्रों का दावा है कि ये लोग उरी में लच्छीपोरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हालांकि सेना ने अभी इनके शव बरामद नहीं किए हैं। अभी वहां पहुंचे सेना का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, 3 और आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। सेना ने हंदवाड़ा के 9 गांव में भी एनकाउंटर में 4 से 5 आतंकियों को घेर लिया है, हालांकि वहां सेना की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद भी हुआ है। इधर एलओसी पर भी फायरिंग जारी है, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया है। उरी हमले के बाद आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक बुलाई गई है। मंगलवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव S जयशंकर के साथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा की थी। S जयशंकर के साथ इस बैठक में मौजूदगी को उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम तेज करने के संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज रेल बजट को आम बजट में शामिल करने को लेकर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट आज आम बजट को 1 फरवरी को पेश करने को लेकर भी हरी झंडी दे सकती है। बजट में योजना और गैर योजना खर्च के बीच फर्क को भी खत्म करने पर फैसला हो सकता है। कर्नाटक को आज से 27 सितंबर तक रोजाना 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ना होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक में नाराजगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता, सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे। नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। पिछले हफ्ते शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगा। हालांकि पाकिस्तान की कोशिशें फुस होती नजर दिख रही हैं, क्योंकि UN महासचिव बान की मून ने UNGA में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि जो देश प्रॉक्सी वॉर में लिप्त हैं, उन्हें ये रास्ता तुरंत छोड़ना चाहिए। UN आम सुरक्षा सभा को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि अगर समुदायों को साथ नहीं रहने दिया गया तो चरमपंथ की आग जलती रहेगी। ओबामा ने कहा कि आने वाले समय में जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात में आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने की हिदायत दी थी। गुरुवार से शुरू हो रहे सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक में पाकिस्तान के खुफिया चीफ हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान के DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफताब सुल्तान की जगह पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के फैसले को उरी हमले के बाद बने माहौल का नतीजा बताया जा रहा है। बलोच नेता बरहमदाग बुगती ने भारत में राजनीतिक शरण के लिए जिनेवा में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता बुगती की दूतावास के अधिकारियों से बातचीत भी हुई। बुगती ने कहा कि बलोच आंदोलन में भारत का समर्थन बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। भारत के 65% घर भूकंपरोधी नहीं है, ये चेतावनी सरकारी संस्था बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल यानी BMPTC ने दी है। BMPTC की रिपोर्ट अर्थक्वेक हैजर्ड जोनिंग मैप्स के मुताबिक देश की 30 करोड़ 40 लाख घरों में 95% घर ऐसे हैं जो भूकंप के स्तर पर खतरनाक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने चाइनीज हेलोजन समेत दूसरी हानिकारक लाइटों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। राज्य के बालोद जिले में कथित रूप से चाइनीज हेलोजन लाइट के कारण 500 से अधिक लोगों की आंखों में संक्रमण और आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। दरअसल शुक्रवार की रात बितेरा में गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोगों की आंखों में संक्रमण हो गया। इसके 2 दिन बाद बालोद जिले के ही घोटिया में इसी तरह का मामला सामने आया। यहां वहां सैकड़ों
की तादाद में ग्रामीण चाइनीज हेलोजन लाइट का शिकार हो गए। जिला प्रशासन ने दोनों ही मामलों में FIR दर्ज करने और मामले की जांच करने की बात कही है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हॉर्न बजाने से मना करने पर 3 युवकों ने व्यापारी समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। साथ ही व्यवसायी की ऑडी कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक आरोपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। सभी घायलों को हेडगेवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली महिला आयोग में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ACB पूछताछ करेगी। इस मामले में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ ACB केस दर्ज कर चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह की शिकायत पर ACB ने कार्रवाई की है। दिल्ली के करोल बाग में रेडीमेड गारमेंट के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी का नाम प्रदीप बताया जा रहा है और उसका रेडीमेड गारमेंट की मार्केट टैंक रोड पर कपड़े का बिजनेस है। व्यापारी की हत्या के बाद मार्केट के लोगों में दहशत है। दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम सुरेंद्र उर्फ आदित्य मालिक बताया जा रहा है और वो रोहिणी का रहने वाला है। मृतक लड़की की उम्र 21 साल है और वो टीचर थी। आरोपी आदित्य पिछले 1 साल से लड़की का पीछा कर रहा था। दिल्ली के स्वरूप नगर में 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में पकड़ लिया है। पीड़ित लड़की का परिवार किराए पे मकान में रहता था और बच्ची खेलने के लिए मकान मालिक के घर गई थी। गैंगरेप का आरोप मकान मालिक के बेटे पर लगा है और उसके दोस्तों पर लगा है। बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की VVIP सड़क रेस कोर्स का नाम बदला जा सकता है। आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। नई दिल्ली से BJP सांसद मीनाक्षी लेखी ने रेस कोर्स का नाम बदलकर एकात्म मार्ग रखने का प्रस्ताव दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नए नाम के प्रस्ताव का विरोध किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैसी कार्रवाई फडणवीस सरकार को करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की इमारत की ऊपरी 3 मंजिलाओं को गिराने के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। एक याचिका बिल्डर की तरफ से दी गई थी जो 6 मंजिला इमारत बना रहा है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर ने न सिर्फ हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली है बल्कि इमारत में रहने वालों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने उरी में आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चव्हाण ने कहा है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बात करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। चव्हाण ने कहा है कि मोदी की उच्च स्तरीय बैठकों की फोटो मीडिया में आ रही है लेकिन कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। BMC चुनाव को देखते हुए मुंबई में डांडिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। NS पार्षद संदीप देशपांडे ने BMC कमिश्नर अजय मोता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि BMC को डांडिया के आयोजन के लिए पब्लिक ग्राउंड का किराया कमर्शियल रेट पर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जैविक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि अधिकारी दफ्तरों में कूप मंडूक बनकर न रहें। CM ने कहा कि अधिकारी बल्लभ भवन की दीवार से बाहर निकलकर व्यावहारिक बने ताकि समस्याओं का सही हल निकाला जा सके। CM भारतीय किसान संघ के युवा किसान उद्यमी कार्यशाला में शामिल होने के लिए समन्वय भवन पहुँचे हुए थे।
हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन के खिलाफ अब राज्य सरकार और प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब नशे के पौधे उखाड़ने का अभियान बेहद सफल रहा है, अब इसे और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार और पुलिस की मुहिम में अब आम लोग भी जुड़ने लगे हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही नशे से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि राज्य के मुख्य सचिव वीसी फारक ने किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नशे के आंकड़ों में हिमाचल की स्थिति बदतर बताए जाने के बाद सरकार ने नशे के खिलाफ ये अभियान की शुरुआत की थी। सरकार की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। हाल ही में सूबे के 12 जिलों में सरकार ने पुलिस और कई अन्य विभागों की मदद से भांग की खेती को नष्ट करने की मुहिम शुरू की है, जिसमें स्कूली बच्चे भी अपना सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान में 5,225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग की खरीद शुरू हो गई है और अगले दो महीने तक सभी 36 केंद्रों पर मूंग की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी औपचारिक शुरुआत केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने अजमेर की किशन मंडी में की। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मूंग की खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और पहले चरण में 36 केंद्रों पर मूंग की खरीद की बात कही। पंजाब सरकार ने सूबे के नेत्रहीन समेत दूसरे दिव्यांगों को नौकरी देने के लिए नौकरी मेले का आयोजन किया। इस मेले में पहुंचे सभी लोग खासे खुश नजर आए और इस मेले के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। सभी नेत्रहीन जॉब कैंप में हिस्सा लेने आए। ये कैंप पंजाब सरकार की तरफ से लगाया गया। इसमें अलग अलग विभागों के नेत्रहीनों को चौथी श्रेणी में नौकरी दी गई। इस कैंप में 120 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कैंप में करीब 700 नेत्रहीनों ने हिस्सा लिया। जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया है और उन्हें आगे मेरिट के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। ऐसा ही कैंप पंजाब सरकार की तरफ से दूसरे रूप में दिव्यांग लोगों के लिए भविष्य में लगाए जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ज्यादातर इलाकों में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग पीने के पर्याप्त पानी नहीं मिलने की समस्या से शिमला वासी परेशान हैं। बीते दिनों लोगों के धरना प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम से कोई राहत नहीं मिल रही। इतना सब होने के बावजूद शहर के मेयर सब कुछ जल्द ठीक करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। लोग कहीं न कहीं सरकार के आईपीएच विभाग को जरूर कोस रहे हैं। इधर पानी की कमी से परेशान लोग जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। मॉनसून से पहले भी शिमला के लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ा था और अब मॉनसून के बाद भी तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के फर्स्ट बटालियन के एक बड़े नक्सली कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। सेक्शन कमांडर जीतू सबलम ने अपनी पत्नी के साथ रायपुर के एसबीआई के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों पर 8-8 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी। दोनों नक्सली ताई मेटला सहित 16 बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को अवैध शराब की 100 पेटियों को जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने यशोधर्मन नगर इलाके में अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुल नया खेड़ा बाईपास के पिकअप वाहन से 100 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। रिश्तेदारों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में ना तो डॉक्टर्स ने मरीज को देखा और ना ही स्टाफ ने। इसके बाद शव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके बाद शव को ठेले पर घर ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश के श्योर
जिले में कुपोषित बच्चों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन ना तो बच्चों को रखने की सही व्यवस्था है और ना ही पोषण युक्त खाना मिल रहा है। सर्वे के दौरान बच्चों की स्कैनिंग में 400 से 500 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में न तो इतने बेड हैं और न ही पोषण का बेहतर इंतजाम किया गया है। अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में सिर्फ 20 बेड हैं, ऐसे में तमाम बच्चों को बिस्तर तक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए आदिवासी छात्रावासों से कुछ बेड मंगाए गए हैं, लेकिन ये कम पड़ रहे हैं। बच्चों के परिवार का आरोप है कि उन्हें न्यूट्रिशन फूड के नाम पर कच्चा और जला हुआ खाना दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग भी अब अमन चैन और विकास चाहते हैं। घोर नक्सल प्रभावित गांव कुतुल के सैकड़ों लोग पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग की। गांव की हर महिला और हर पुरुष विकास चाहता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के कुतुल ग्राम पंचायत में नक्सलियों की दहशत के चलते अब तक कोई विकास को लेकर आवाज नहीं उठाता था, लेकिन प्रशासन ने गांव के युवाओं को आगे बढ़ने में मदद की और यही युवा अब गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें संदेश दे रहे हैं कि नक्सलियों से डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी के नामों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अजमेर और कोटा को शामिल किया गया है। स्मार्ट शहरों के नाम की घोषणा के साथ ही सभी 60 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए 1,44,742 करोड़ रुपए की राशि का खर्च भी प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान के कोटा जिले में 20 साल पहले आबाद हुई पक्षियों की उदयपुरिया कॉलोनी उजड़ गई है। प्रदेश के जांघिल के दूसरे नंबर की कॉलोनी बिल्कुल वीरान हो गई है। पानी की कमी और परिंदों की बस्ती में इंसानी दखल ने पक्षियों के शांत वातावरण को बिगाड़ दिया है और पक्षियों को यहां से अलविदा करने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि आज उदयपुरिया में जांघिल पक्षियों का सिर्फ एक ही जोड़ा यहाँ अस्तित्व के तौर पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिलड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां बच्चों को मिड डे मील के तहत घटिया खाना खिलाया जा रहा है। दरअसल स्कूल में पोषाहार सप्लायर द्वारा मिड डे मील के तहत घटिया गेहूं की सप्लाई की गई है। वहीं घटिया गेहूं को देखकर विद्यालय पोषाहार प्रभारी ने तुरंत इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी है। इधर सूचना पर एडीईओ को नेतृत्व में प्रारंभिक विभाग शिक्षा विद्यालय पहुंची और मामले की जांच शुरू की। राजस्थान के सीकर में बेटे की जगह बेटी अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देगी। दाता कस्बे के पारसमल कुमावत को संतान के तौर पर कोई बेटा नहीं था, लिहाजा उनकी मौत के बाद बेटी मनीषा ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। पारसमल की 12वीं पर भी पगड़ी की रस्म को उनकी बेटी ही अदा करेंगी। बिहार के गोपालगंज के बरौली में गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपभोक्ता गैस एजेंसी संचालक की मनमानी का खामियाजा भुगत रहे हैं। यहां होम डिलीवरी की सुविधा ठप है। उपभोक्ता रोज सुबह लंबी कतारों में लगते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को गैस मिल पाती है। बिहार के छपरा से गोपालगंज अहमदपुर को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश के चलते गड्ढे में पानी भर जाता है और लोगों को इस रोड से चलना काफी मुश्किल हो जाता है। बिहार के गोपालगंज जिला के सिद्धवलिया में सड़क किनारे फैली गंदगी से बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। यहाँ बाजार का कूड़ा सड़क किनारे फेंका जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा ढककर चलना पड़ता है। वहीं इस क्षेत्र में 3 लोगों को डेंगू का डंक झेलना पड़ रहा है। बिहार के किशनगढ़ के ठाकुरगंज थाना और उसके आसपास के गाँव में बंदरों का उत्पात बढ़ गया है। फसलों को नुकसान होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। नेपाल से जंगलों से भटककर बंदरों का झुंड थाना परिसर और उसके आसपास डेरा डाले हुए हैं। बिहार के किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत तघेरिया पंचायत के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में घर से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। गांव की सड़कें बदहाल हैं। ग्रामीणों के प्रशासन
से पक्की सड़क निर्माण की मांग की है। बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय लोहागढ़ा में स्कूली बच्चों को आयरन युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए फिल्टर प्लांट का काम चल रहा है। विद्यालय के चापाकल में आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिससे बेहतर पहल की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि सीरिया की सरकार अपने ही लोगों की हत्या कर रही है। आम सभा में उद्घाटन पर बान की मून ने कहा कि सीरिया में पिछले 5 सालों से जारी गृह युद्ध में ज्यादातर आम नागरिकों की मौत के लिए वहां की बशर अल अद सरकार जिम्मेदार है। बान की मून ने कहा है कि राष्ट्रपति असद की सेना आसपास के नागरिकों पर बम गिरा रही है और उनका सत्ता विरोधी लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सीरियाई शहर अलप्पो में राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि रूस ने खुद को या सीरिया सरकार के इसमें शामिल होने से इनकार किया है। रूस के मुताबिक घटना हवाई हमले से नहीं बल्कि जमीन के आग लगने की वजह से हुई। इस घटना के साथ सीरिया को लेकर अमेरिका रूस के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि 50 देशों ने युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे देशों के 30,060 शरणार्थियों को शरण देने का फैसला किया है। सीरिया अफगानिस्तान जैसे देशों के करीब 2,10,00,000 लोग युद्ध के हालात की वजह से शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। न्यूयॉर्क ब्लास्ट के मामले में पकड़े गए अहमद राहमी के पिता का कहना है कि उनके बेटे के इरादों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। FBI की टीम ने राहमी के घर और उसके रेस्टोरेंट की तलाशी ली थी।